Welcome to our test of communication skill development. Today we will look at the simple present tense. Most of the guys, when they hear the term tenses, they may not clear with rules and they may not implementation on it. Today we can help you to understand what is simple present tense, and we will make you quite easy for you guys. Here we go. Simple present tense has three basic rules like routine, habit and universal facts. Routine, it means from the morning till night, whatever you do, that is called routine. For an example, we go, I drink coffee, I drink tea, I prefer cold drink. That is called, I wake up around 7 o'clock. This is called the routine. Next, we'll go for the habit. Habit, it means, जैसे कि मैं चाय के साथ बिस्किट लेता हूँ, मैं हमेशा कार से जाता हूँ. This is called the habit. I don't go to my office on Fridays. This is called the habit. Universal facts, the earth revolves around the sun. And smoking is injurious to health. These are the universal facts. Next, we'll go to the positive, negative, interrogative sentences. Positive, it means the simple sentences which we speak in the answer state. Subject, I, we, you, they, I, mere baare mein, we, hamare baare mein, you, tumhare baare mein, they, उन लोगों के बारे में. प्ले, जनरल, हमने एक वर्ब लिया है एग्जाम्पल के तौर पे. फिर ऑब्जेक्ट लिया है, कुछ भी हो सकता है. हमने एग्जाम्पल के तौर पे गेम लिया है. ही, शी, इट. ही मस्कुलाइन जेंडर, शी फेमिनाइन जेंडर. इट यूटिलाइज किया जाता है एनिमल्स, बर्ड्स एंड थिंग्स. हियर व्हाट इज द डिफरेंस, वी वन में यहाँ पे प्ले दिया गया है और यहाँ पर थर्ड पर्सन के लिए प्लेस दिया गया है. प्लेस इसीलिए एस इसीलिए ऐड किया गया है क्योंकि हमने थर्ड पर्सन के बारे में बताया है. एंड देन द सिमिलर ऑब्जेक्ट. लेट मी गो थ्रू द नेगेटिव. नेगेटिव सब्जेक्ट, आई वी यू दे, प्रीवियसली वी हैव लर्न. ही शी इट, द सेम वे. हेल्पिंग वर्ब, व्हेन द हेल्पिंग वर्ब इन द नेगेटिव परसेप्ट्स, so we have to take care of the verb like I, we, you, they. May don't short form में use होता है, do not full form में use होता है. We were as usually perform and then other objects. And look at here for the third person like he, she, it. Doesn't short form, does not full form. Particularly आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि he, she, it थर्ड पर्सन के लिए हमें डजंट आइदर डज नॉट यूज करना है. वर्ब ऑलरेडी है दिया गया, इसमें चेंजेस ये है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एस नहीं यूटिलाइज किया है बिकॉज हमने हेल्पिंग वर्ब लिया है. थर्ड पर्सन में आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जब हेल्पिंग वर्ब यूज होता है जैसे डजंट या डज नॉट, तब आपको वर्ब में एस अप्लाई नहीं करना है. लेट मी गो थ्रू द इंट्रोगेटिव सेंटेंस. जैसे कि हेल्पिंग वर्ब है do, I, we, you, they सब्जेक्ट के लिए यूज किया गया है. we, one हमने एग्जाम्पल के तौर पे वॉच लिया है और ऑब्जेक्ट टीवी लिया है. नाउ सिमिलरली डज फॉर द थर्ड पर्सन, दे आर, ही, शी, इट. आइदर किसी नेम के साथ भी आप इसको जोड़ सकते हो जैसे डज सैम वॉच टीवी, ठीक है. सिमिलरली हम देखते हैं डू दे वॉच टीवी, क्या वे टीवी देखते हैं, तो हम आंसर में यस या नो दोनों में यूटिलाइज कर सकते हैं. यस दे वॉच टीवी फुल फॉर्म, यस दे डू. आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं शॉर्ट या फुल फॉर्म, बट माय बाय अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक यू शुड अप्लाई द शॉर्ट. इट इज वेरी क्वाइट एंड सॉफ्टली वॉइस. नो नेट लेट यू गो टू द नेगेटिव. नो दे डोंट वॉच टीवी, नहीं वो टीवी नहीं देखते हैं. अब यहां पे देखते हैं नो दे डोंट, नहीं वो नहीं देखते हैं.
शॉर्ट में भी आपने यूज किया, बहुत सॉफ्टली अच्छा लगता है. लेट्स डू इट बोथ फॉर ही शी इट. इट मींस थर्ड पर्सन. द क्वेश्चन ऑलरेडी वी मेड, डज शी वॉच टीवी, क्या वो टीवी देखती है. फॉर द पॉजिटिव पॉइंट, यस शी वॉचेस टीवी. यस शी वॉचेस टीवी. ध्यान रखना है ES या S यूटिलाइज होगा जब हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं. और इस चीज का ध्यान रखते हुए आपको ये भी पता लगाना है कि ES या S अकॉर्डिंग टू द वर्ड यूज होगा अकॉर्डिंग टू द वर्ब इवन दो. एंड इन द शॉर्ट फॉर्म यस ही आइदर शी डज. अब लेट मी लुक आउट द नो. इट मींस नेगेटिव. नो She doesn't watch TV. For the full form, no, she doesn't. For the short form, नहीं वो नहीं टीवी देखती है, नहीं वो नहीं देखती है. This is all the in a simply way we have done. Here are the few verbs. You can do the exercise at your home. These are the verbs like use, buy, cut, fly, drive, care, help. In those verbs, you can utilize or apply your the statements and you can try to make it correct by your own self. I hope you would like this video. We will meet soon. See you. Thank you.